हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमारे पास ये वाला ब्लूटूथ स्पीकर तो है लेकिन हम इसमें एफएम नहीं चला पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाए कि आप इस ब्लूटूथ स्पीकर में एफएम किस तरीके से चला सकते हैं। और इस ब्लूटूथ स्पीकर में फ्रेंड्स एफएम चलाना भी बहुत आसान है, आप चुटकियों में इस ब्लूटूथ स्पीकर में एफएम चला सकते हैं। बट इससे पहले फ्रेंड्स मुझे आपसे एक बात करनी है कि हमारे चैनल पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, बट वो बिना सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और बिना सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को चले जाते हैं। मुझे आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल पर एक गिवअवे भी चल रहा है, उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि इस A006 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर में आप एफएम किस तरीके से चला सकते हैं। बट इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही अनबॉक्सिंग और टेक वीडियो आपको मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आ जाता है हमारा मेन ब्लूटूथ स्पीकर। और इस ब्लूटूथ स्पीकर में फ्रेंड्स एफएम चलाना बहुत ही आसान है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको एफएम चलाने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको इस ब्लूटूथ स्पीकर को ऑन कर लेना है। देखिए मैं ब्लूटूथ स्पीकर ये हमारा ब्लूटूथ स्पीकर ऑन हो चुका है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बीच में म्यूट का बटन है, इसे आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो ये ऑक्स मोड चला जाएगा। ये देखिए हमारा ये ऑक्स मोड पर आ चुका है। अब सेकंड टाइम आप क्लिक करेंगे एफएम मोड तो ये हमारा एफएम मोड पर आ जाता है। देखिए मैंने इसकी वॉल्यूम कम कर दी है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है, अगर आपके एरिया में एफएम के सही सिग्नल आते हैं, अच्छे सिग्नल आते हैं तो आप इसे डायरेक्टली चला सकते हैं। अगर आपके एरिया में कम सिग्नल आते हैं तो इसके अंदर आपको एक एंटीना केबल की जरूरत पड़ेगी। और वो केबल आपको कहाँ मिलेगी? वो केबल आपको इस बॉक्स के अंदर ही मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं जहाँ रहता हूँ मेरे एरिया में भी इतने अच्छे एफएम के सिग्नल नहीं आते हैं। मुझे एफएम चलाने के लिए इस केबल की जरूरत पड़ती है। देख सकते हैं कि इसके बॉक्स में ही आपको ये केबल मिल जाती है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार की ये केबल है। अगर आपके पास ये केबल भी नहीं है फ्रेंड्स तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में चार्जिंग केबल होगी कोई भी, उस चार्जिंग केबल को आप इसके अंदर लगा सकते हैं जिससे आपके सिग्नल काफी अच्छे हो जाएंगे एफएम के। अब ये केबल ले लेनी है आपको और ये जो इसका चार्जिंग वाला एरिया है तो उसमें कुछ इस तरीके से इस केबल को आपको लगा देना है। पर आप देखेंगे तो ये देखिए मैंने केबल लगा दी है। उसके बाद इसमें एफएम सर्च करने के फ्रेंड्स दो तरीके हैं। या तो आप ये जो प्लस माइनस है इससे आप एक एक करके स्टेशन सर्च कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर एक ऑटो सर्च का ऑप्शन होता है। ये जो इसका पावर की है इसे अगर आप एक बार दबाएंगे तो ये ऑटो सर्च पे चला जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, जब इसे आप एक बार दबाएंगे उसके बाद आपको इस पर ही उंगली रखनी है। जैसे ही आपको सॉन्ग सुनाई दे तो आपको दोबारा इसी पावर बटन को प्रेस करना है। तो दोबारा आपको इसी बटन को दबाना पड़ेगा जिससे आपका स्टेशन सर्च प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं इसी पर उंगली रखूंगा। जैसे ही मुझे सॉन्ग सुनाई देगा फिर मुझे दोबारा यही बटन दबाना है जिससे स्टेशन सर्चिंग वाला हमारा रुक जाए। देखिए देख सकते हैं आप, देखिए मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको। देखिए हमारे सॉन्ग चलने स्टार्ट हो गए यहाँ पर। और वहीं अगर मैं इस केबल को निकाल के दिखा दूँ आपको, देखिए देख सकते हैं आप इस समय सॉन्ग बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा। और जैसे ही मैं केबल लगाता हूँ देखिए आप। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, थोड़ी सी वॉल्यूम कम करके, इसके अंदर अभी तो एफएम जल्दी से पकड़ लिया लेकिन कई बार सर्चिंग में एक दो मिनट का समय भी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही दो चार सेकंड में ही पकड़ ले, कई बार एक एक दो दो मिनट भी ले लेता है सर्चिंग करते हुए। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारे स्पीकर में एफएम नहीं चल रहा। एफएम सब में चलेगा लेकिन थोड़ा सा वेट करना भी पड़ सकता है। देखिए अब इसके अंदर एफएम चलना स्टार्ट हो गया बिल्कुल। देखिए तो फ्रेंड्स देखा आपने कि इस ब्लूटूथ स्पीकर में एफएम चलाना कितना आसान है। और हमारी इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।